नमस्कार, बीआरजी की टीम और टीना राठौड़ की तरफ से एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात, जहां हम राजस्थान के जाने माने कलाकारों को आपसे रूबरू करवाते हैं और पहुंचाते हैं उनके मन की बात आप तक। और इसी सिलसिले में हमारे बीच मौजूद है राजस्थान के जोधपुर जिले के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अदायगी का लोहा मनवाया जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हेमराज जी वर्मा जी। उन्होंने बहुत ही कम टाइम में काम की शुरुआत करके अपनी एक अभिनेता के तौर पर पहचान बनाई है। आइए जानते हैं उनके मन की बात। हेमराज जी, आपका पीआरजी स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को पीआरजी की तरफ से और समस्त पीआरजी की टीम की तरफ से जीवन दर्पण देखने वालों सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन में नमस्कार करता हूं। और रही मन की बात, तो अब जैसे आपने पूछा फैमिली के बारे में, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, जिसमें मेरे पिताजी हैं और मेरा एक छोटा भाई है और उससे एक छोटा भाई, हम तीन भाई हैं टोटल। और मदर है नहीं, एक्सपायर हो गई। और मैं मैरिड हूँ और मेरे दो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं। जी, मैंने वैसे पढ़ाई सीनियर तक की है ओनली, क्योंकि उस वक्त क्या है, मेरी मदर एक्सपायर हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया है उनको, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी जी। आगे स्टडी कर जी जी। ओके, तो इस ये जो एक्टिंग का जो क्षेत्र है, इसमें आना कैसे हुआ आपका अचानक से? जी, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शुरू से ही कहते हैं जैसे घर में माहौल होता है उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं। तो मेरे पिताजी को बहुत शौक़ है, अभी भी है, बहुत बहुत शौक़ है। तो आज भी अगर मैं जैसे लैपटॉप लगा देता हूँ मेरा और मारवाड़ी गाने, तो वो नज़र नहीं चिपकाते हैं, बस बैठे रहते हैं शौक से। तो बचपन से इसी एनवायरनमेंट में रहा हूँ मैं, और मेरे भी चाचा जी थे वो भी सिंगर थे, तो उस हिसाब से लगाव हो गया। तो बस जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम ये पूछे कि आप एक एक्टर नहीं होते, तो जाहिर सी बात है और दूसरे कई सारे इंटरेस्ट और हॉबीज होती है, तो आप क्या होते, क्या बनने की सोची थी आपने? जी, मुझे वैसे बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था जी, आज भी है, लेकिन कहते हैं ना, बस जो किस्मत होती है, तो बस उस वक्त मेरी मदर चले जाने के बाद में फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर काम धंधे में लग गया और सब कुछ छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे बताया आपकी दो बच्चियाँ हैं जी, तो आप आगे अपनी बच्चियों को भी इसी लाइन में लाना चाहेंगे? जी, वो तो देखो किस्मत की बात है, लेकिन मेरा सपना है मेरे बच्चों को, दोनों को। वैसे मेरी बड़ी वाली जयश्री है 8 साल की, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा। तो अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा भी सपना है। जी जी, बहुत। और छोटी वाली को? छोटी वाली तो अभी 2 साल की अभी 2 साल की। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी को शौक है ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट है, वो ये देखते रहते हैं सारे एक्टिंग रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, तो जब आप इस क्षेत्र में आ गए और आपने अपना एक्टिंग चालू किया, अपने सॉन्ग्स वगैरह करने, तो आपके पिताजी का रिएक्शन कैसा था? बस उनको जब मैंने पहली बार अपना गाना दिखाया तो मतलब खुशी से वो मतलब फूले नहीं समाए थे, मेरे को बोले शाबाश बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया है मेरा। आपका ये जो सफ़र रहा अब तक, इसका जरिया कौन रहा, किसने शुरुआत करवाई आपके इस फील्ड? जी, इसके लिए मैं सबसे बड़ा जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी मोबली सिस्टर है, जिनको सारा राजस्थान अभी तो सभी जानते हैं, लक्की सिंह जी, बाईसा मेरी मोबली सिस्टर है, तो उनका हमारा काफ़ी टाइम से जो है रिलेशन है। तो मैं उनको देखता था और उनसे बात भी करता था कि मैं के बाईसा, मुझे ये सब स्टार्स बहुत पसंद हैं और मुझे भी ऐसा करना है। तो कोइंसिडेंटली एक दिन वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब कहाँ हूँ? मैं क्या घर पे हूँ। क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, फ्री हूँ, छुट्टी है। तो क्या आ जाओ? मैं क्या कहाँ? के पीआरजी स्टूडियो आ जाओ। पहले पीआरजी स्टूडियो वहाँ महामंदिर मंडोर साइड में था। मैं क्या ठीक है। तो उस दौरान मैं और मेरा एक दोस्त हैं और वो इस लाइन में पहले काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये काम छोड़ दिया, वो एम्स में जॉब में लग गए। तो हम दोनों गए थे वहाँ, हम गए थे कुछ और मैटर से कि हम वहाँ पे कॉमेडी करेंगे, लेकिन वहाँ पे सॉन्ग्स की शूटिंग चल रही थी,
तो हम बैठे बैठे देख रहे थे, मैं और वो सुरेंद्र जी और लकी सिंह जी, बाईसा और दो और आर्टिस्ट थे, शूटिंग कर रहे थे जी। तो बाईसा ने कहा भैया तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आज तक कैमरा फेस नहीं किया है और मैं कैसे। तो सज्जन जी सर बैठे थे वहाँ, सर ने कहा हिमराज जी आप एक बार पहन के कुर्ता और आ जाओ। तो मैं था, सुरेंद्र जी थे, दो और आर्टिस्ट थे, तो हम सब ने कोरस में दो गाने किए। तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी तो सज्जन जी सर ने मुझे नोटिस किया और अगले गाने में उन्होंने मुझे कहा कि हिमराज जी आप साफा लगाओ और ये पर्सनल है जो गाना, एक आप लिपसिंग करोगे। मैं क्या सर मैंने कभी किया नहीं। कह नहीं आप करो। तो वो गाना बहुत ही अच्छा था, शीतला माता का गाना था, तो उसकी मैंने लिपसिंग की। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब मैंने वो गाना देखा कि ये मैं हूँ। तो वहाँ से जो है मेरी शुरुआत हो गई। लकी सिंह जी बाईसा ने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया, और पीआरजी में जो सज्जन जी सर हैं, सबसे पहला जो चांस वो मुझे पीआरजी ने दिया जी। उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद आप काम करते रहे। उसके बाद जैसे जैसे काम करता गया और लोग जानते गए तो बस शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। तो आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में ही है या आप चाहेंगे आप मूवीज वगैरह भी करें, एक्टिंग भी करें, या सिर्फ गाने करने की इच्छा है आपकी? जी जैसा देखो किस्मत की बात है, अगर अच्छा मिलता है, कुछ मौका मिला तो मैं कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल हमारा ये है, आपने बताया जैसे लकी सिंह जी, इन्होंने आपकी बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया, उनके अलावा और किन किन का सहयोग मिला आपको इस इंडस्ट्री के लिए? फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझे सबसे मिलवाया क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था, और उसके बाद में भी जहाँ भी गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भैया हैं, इनका ध्यान रखना है और इनको आगे बढ़ाना है। तो इस फील्ड में सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं गौरव भैया से मिला, गौरव भैया ने मुझे टिप्स दिए कि आप ऐसे ड्रेसिंग करो, ऐसे जो है फेस कट रखो, ऐसे हेयर कट रखो, ऐसी मूछें रखो। तो वो सब सबसे मैं जो है कुछ ना कुछ सीखता गया और उनको देख देख के मैं करता गया। बहुत बढ़िया। और हमने सुना है कि आप मिमिक्री भी करते हैं, करीब करीब शायद 35-40 बॉलीवुड आर्टिस्ट की मिमिक्री आप करते हैं जी। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप उनमें से कुछ आर्टिस्ट की मिमिक्री करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी मिमिक्री का तो ऐसे मैंने कभी आज तक वैसे पब्लिकली नहीं की है। वैसे दो चार मैं क्या बहुत शर्मीला इंसान तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ गलत हो जाएगा, तो वैसे कर लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। तो आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। जी वैसे तो मेरे सभी पसंदीदा हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़। तो अमित जी के मैं मिमिक्री कर रहा हूँ। नमस्कार भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, और पीआरजी के जीवन दर्पण में जो है आपका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये है हमारे साथ में टीना जी राठौड़ आए। तो टीना जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? और बहुत से आर्टिस्ट हैं, सबकी मैं मेमोरी कर लेता हूँ। जैसे नाना पाटेकर जी हैं, सनी देओल जी हैं, और एक मेरी बच्ची का फेवरेट एक कार्टून आता है जिसको टॉम एंड जेरी है और इसमें जैक है, उन सब की एक छोटा सा नाना पाटेकर का इसमें डायलॉग है, ये मस्त खाने का बाबा क्या कर रहे हैं। हाँ जी कॉमेडी एक तो, और शोले फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो शोले मैंने करीबन 50 बार देखी है, तो उन सब के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। और चाहे वो जगदीप जी हैं, जैसे जगदीप, अरे कैसी पैसी मांग रही हो बाबा, तो सब मतलब सबकी कर लेता हूँ मैं लगभग। नहीं, हम जब शूटिंग पे होते हैं कभी तो गौरव भी हमारे साथ में होते हैं ना, तो गौरव भी सनी देओल जी की आवाज़ निकालते हैं, तो ओए क्या कर रहे हो, पानी पी लिया, खाना खा लिया? तो मैं भी कहता हूँ बाबा आपकी मेहरबानी है, पी लिया है। जी मेरा एक वैसे जिस वक्त ये शोज चलते थे बॉलीवुड में और कॉमेडी शोज़ वगैरह और लाइव कंटेंट्स वगैरह, तो मैं भी सोचता था कि यार मैं भी जाऊं, लेकिन एक हिचक थी कि यार क्या पता मैं सही कर रहा नहीं कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, तो वो हिचक ही आज तक है और मैं आगे नहीं जा पाया। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं करके दिखाऊँगा। लेकिन आप बहुत अच्छा करते हैं, शायद आपको आगे ट्राई करना है। जी वेल चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस इंटरव्यू की तरफ। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अपने पसंदीदा कलाकार कौन कौन है इंडस्ट्री में, मेल फीमेल दोनों? जी वैसे तो सभी पसंदीदा ही हैं,
लेकिन मेरी जो फेवरेट फीमेल एक्ट्रेस जो हैं, जिनको मैं शुरू से देखता आया हूँ आज तक, और मेरा एक सपना भी है उनके साथ काम करने का, शायद इसी वजह से भी मैं इस लाइन में आया हूँ, वो हैं नूतन जी गहलोत। क्या बात है जी, वो मेरे फेवरेट एक्ट्रेस हैं, फीमेल एक्ट्रेस। और मेल एक्टर्स? मेल एक्टर्स में वैसे तो सभी फेवरेट ही हैं, लेकिन कहते हैं जो आपके साथ टच में रहते हैं और जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होता है और कुछ उनमें एबिलिटी होती है, वो हैं गौरव भैया, जिनको सभी राजस्थान के जो लोग हैं कुमार गौरव जी के नाम से जानते हैं, वो मेरे भी आदर्श हैं। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा हिमरा जी, आपने बताया कि एक्टिंग के अलावा आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा है, तो शायद अभी आप क्रिकेट खेलते हैं या अभी नहीं खेलते? हाँ, अंदाजा लगा था हमने, कहीं ना कहीं अभी नहीं खेलते होंगे। तो और ऐसी कौन सी आपकी हॉबी है कि जब आप घर पे होते हैं तो आपको लगता है कि ये फास्ट टाइम के लिए ये हॉबी मैं यूज़ कर रहा हूँ? वैसे जी मेरा एक शौक है, मैं बंद कमरे में कांच के सामने नाचता हूँ। अपनी ये डांसिंग स्किल को? हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ खुद को देख के सीखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अलमारी है उसके सामने शीशा है, बस गाने चला देता हूँ और अकेला होता हूँ, तब किसी को दिखाता नहीं हूँ, तो मस्त डांस करता हूँ, ये मिमिक्रीज करता हूँ, तो इसको देख देख के इम्प्रूवमेंट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। जी, अब संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, वैसे मैं यही कहूँगा, और जो सभी जीवन दर्पण देखने वाले दर्शकों को, कि जिन्होंने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया, आज भी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं और लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो है मैं देना चाहूँगा इस फील्ड में मुझे लाने वाली मेरी सिस्टर सीमा जी का, जिनको आप सब लक्की सिंह जी के नाम से जानते हैं, और फर्स्ट टाइम जो मुझे चांस दिया वो सज्जन सिंह जी गहलोत सर, PRG कंपनी, तो इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, कि मेरे पास शब्द भी नहीं है इनके लिए कुछ बोलने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद PRG एंड सज्जन जी सर एंड मेरी सिस्टर लक्की सिंह जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया हेमराज जी, आपने वक्त निकाला और स्टूडियो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हेमराज जी वर्मा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, और हम कामना करेंगे कि वो आगे इसी तरीके से अपना काम करते रहे और राजस्थान का नाम रोशन करते रहे। इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक बने रहिए टीना राठौड़ और PRG की टीम के साथ। नमस्कार।